नमस्कार, दरभंगा सिटी की टीम आज दरभंगा नहीं, आज मुजफ्फरपुर आ चुकी है आप सबके लिए कुछ खास लेकर। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये जी हाँ, आपके सामने मुजफ्फरपुर जंक्शन दिख रहा है जो कि हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में लिखा हुआ है। पूरा नज़ारा देखें, पर आज हम यहाँ पे आपको सिर्फ मुजफ्फरपुर जंक्शन दिखाने नहीं आए हैं, मुजफ्फरपुर से ही कुछ खास दिखाने आए हैं अपनी टीम के साथ। आपको दिखाने आए हैं यहाँ पर लगी एक खास इंजन को। जैसा कि आप सब जानते हैं, दरभंगा में भी एक अभी अभी हेरिटेज इंजन लगी है, वो तो खास है ही, और यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छी इंजन बहुत पहले ही लग चुकी है जिसे आप सबके सामने हमारी टीम आज लेकर आई है। तो चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये वो इंजन है, आप देख सकते हैं ये वो इंजन है मुजफ्फरपुर जंक्शन पर लगी हुई RIL 06। इस इंजन का नाम है, जैसे दरभंगा जंक्शन पर लगी हुई इंजन का नंबर 253 है। चलिए हम थोड़े से नज़दीक जाते हैं, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये RIL 06 कहाँ था, कब आया, कहाँ चलता था, सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको, इसके इतिहास को भी बताएंगे हम, आपको काफ़ी नज़दीक भी ले जाएंगे और यहाँ लगी हुई मछली को भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ खास मछली भी लगाई गई है इसमें। आप सभी का शुक्रिया जो भी हमसे लाइव जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े रहें, क्योंकि कुछ ही समय में हम आपको और ख़ास बातें बताएंगे। आज हम अपनी टीम के साथ, मैं उदय चटर्जी, पहुंच चुका हूं मुजफ्फरपुर जंक्शन जी। यहां देख सकते हैं किस खूबसूरती के साथ इसे लगाई गई है। पर यहां जैसे दरभंगा में लाइट्स लगाए गए हैं, वैसे यहां पे कुछ खास इंतज़ाम नहीं किए गए हैं। दरभंगा वाली इंजन भी खास है तो इसकी सजावट थोड़ी सी अधिक होनी चाहिए थी, हमें लगता है कि इसकी सजावट और अच्छी होती तो ये और ख़ास लगता। जी तो इस इंजन के बारे में चलिए हम आपको बता देते हैं, ये जो स्टीम इंजन है, वाष्प इंजन, ये ब्रॉडगेज में चलती थी। इसका निर्माण वल्कन फाउंड्री ने वर्ष 1908 में किया था। यह इंजन 1967 तक ईस्ट इंडिया रेलवे में कार्य किया। उसके बाद डेहरी रोहतास लाइन लाइट रेलवे ने इसका अधिग्रहण डेहरी ओनसोन एवं ट्यूरा पिपरा डी, जो कि 57 किलोमीटर की दूरी है, के बीच 1984 तक यात्री सेवा हेतु किया। तब से यह डालमिया नगर में रखा हुआ था। इसे रेल की धरोहर एवं यादगार के रूप में 5 दिसंबर 2015 को मुजफ्फरपुर जंक्शन स्टेशन पर प्रदर्शनी हेतु श्री AK मित्तल, जो कि महाप्रबंधक थे उस वक्त पूर्व मध्य रेलवे के, उनके द्वारा स्थापित किया गया था मुजफ्फरपुर जंक्शन पर। तो चलिए हम आपको थोड़ी दूर की भी तस्वीर दिखाते हैं, दूर से भी दिखाते हैं कितना खूबसूरत है ये इंजन। फ्रंट लुक भी दिखाएंगे हम आपको, तो ये देखिए फ्रंट लुक है ये इंजन का। जी जी धन्यवाद विश्वमोहन जी हमारी लाइव में आने के लिए। जी कृपा शंकर रॉय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप हमसे जुड़े। हमें भी खुशी होती है जब हम आप तक ऐसी जानकारियां पहुंचाते हैं जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है। आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम मुजफ्फरपुर जंक्शन शायद इसके बाद
फिलहाल ना आ सके। कल या परसों हम फिर से दरभंगा जंक्शन से लाइव होंगे। जी आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ भारतीय रेलवे लिखा हुआ है। और एक खास चीज़ है यहाँ कि यहाँ अशोक स्तंभ भी लगाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ अशोक स्तंभ भी लगाया गया है रेल की इंजन के साथ, RIL 06 अशोक स्तंभ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। जी कुमार केशव जी धन्यवाद। बिल्कुल हम अब तक ऐसी जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। दरभंगा की जानकारियाँ तो हम देते ही रहते हैं। आज हम मुजफ्फरपुर भी आए हैं और आगे पटना जाने का भी प्लान है हमारा। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, हमें अच्छे अच्छे कमेंट भी दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये इंजन। खैर अगर मैं बताऊं तो इस इंजन को और भी खूबसूरती दी जा सकती थी। अच्छी तरह से लाइटों का प्रबंध किया जा सकता था जिस तरह से दरभंगा में किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं इसके मेंटेनेंस पे रेलवे ध्यान नहीं दे रही है। ये कुछ बैरियर्स तो यहाँ लगाए गए हैं पर ये देखिए ये वाला बैरियर टेढ़ा हो चुका है, तो ये सब मेंटेनेंस की कमी की वजह से हुआ है। और इनके चक्कों को भी आप देख सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये चक्के दरभंगा में लगे चक्के की तुलना में थोड़े से बड़े हैं क्योंकि ये ब्रॉड गेज पे चलती थी। आप इन चक्कों को ध्यान से देखें, ये जो इंजन है वास्प इंजन ये ब्रॉड गेज पे चलती थी। यहाँ भारतीय रेलवे का लोगो भी देख सकते हैं। हम आपको ऊपर नहीं ले जा पाएंगे, माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि रेल कर्मियों ने हमसे कहा कि ऊपर जाने की अनुमति नहीं है फिलहाल। जी कुछ देर बाद हम आप तक कुछ तस्वीरें भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिससे आप विस्तार से और अधिक विस्तार से उन इसके बारे में जान सके। ये मैं आपको मुजफ्फरपुर जंक्शन भी दिखाना चाहूँगा। मैं उदय चटर्जी, कुमार अभिनव सिन्हा, संतोष कुमार सर और अब्दुल कादिर खान की टीम मुजफ्फरपुर जंक्शन से आपको लाइव दिखा रहे हैं यहाँ पर लगी इंजन का, वास्प इंजन का, स्टीम इंजन का, जो कि ब्रॉड गेज पे चलती थी। बिल्कुल राशिद रियाज खान जी, बिल्कुल लहरिया सराय स्टेशन का भी विकास होगा। ये बैनर क्यों लगाया गया है? तो ये बैनर, हम बैनर की तरफ ही जा रहे हैं जिससे कि आप भी अच्छे से देख सके कि ये बैनर किस चीज़ की है, क्यों लगाया गया है। तो ये रेल कर्मचारी ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन के द्वारा लगाया गया है। जी अभी मैं ये भी बता दूं कि अभी स्वतंत्रता सेनानी भी आ चुकी है मुजफ्फरपुर जंक्शन, जो कि दरभंगा को जाएगी, और अब वो ट्रेन काफ़ी टाइमली चल रही है। रेलवे के द्वारा खास ध्यान दिया गया है इस ट्रेन पे कि वो टाइमली चले, अब उसकी मेंटेनेंस अच्छी हो। और आपको तो पता ही होगा कि बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, सुपर फास्ट एक्सप्रेस अब दरभंगा जंक्शन से मिथिला पेंटिंग के साथ खुल रही है। हमने कल उसका लाइव कवरेज भी किया था और आप जैसे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने उसे अपना प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आपको इंजन कैसा लग रहा है दरभंगा की तुलना में, आप हमें वो भी बताएं। क्या ये इंजन दरभंगा की तुलना में अच्छा है या इसमें क्या कमी रह गई है? दरभंगा का इंजन क्यों खास है या फिर इसमें क्या अच्छा लगा आपको?
यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन पर कुछ कलाकृतियाँ बना दी गई है जो कि नहीं बनाई जानी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, शायद कुछ लोगों ने चढ़कर बना दी है इंजन पे। इससे इंजन की खूबसूरती में इससे इंजन की खूबसूरती घट जाती है। और हम दरभंगा वासियों से भी अपील करना चाहेंगे कि दरभंगा के इंजन की भी खूबसूरती को बरकरार रखने में अपना सहयोग दें, अपना सहयोग प्रदान करें। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। हमें अगली बार जब मौका मिलेगा फिर से हम कुछ आपको अच्छी तस्वीरें, अच्छी वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हमसे प्यार बांटे। शुक्रिया, धन्यवाद।